गैर मुंतखब लोगों के ग्रोह में फंसे हुए हैं। करप्शन अपनी इंतहा पे पहुंच चुकी है, महंगाई अपने इंतहा पे पहुंच चुकी है। करप्शन की वजह से महंगाई है। खान साहब, मैं आपको मैसेज देता हूं, आप दो वक्त का खाना ना खाएं। तीसरी दफा खाना खाए बगैर आप मुंह से निकालिएगा कि मैं इंटरनेशनल वजीर आजम हूँ, फिर हम आपको देखेंगे। इलेक्शन वाले दिन खान साहब को पता पड़ेगा कि कितने लोग उनके साथ हैं, कितने लोग उनके साथ नहीं। इनके जितने इत्तेहादी हैं, इनकी नाहिल की वजह से सब इनको छोड़ सकते हैं। मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे मौजूद हूँ। हम ये बाहर बताते हुए शर्म महसूस करें कि हम पीटीआई के एमएनए हैं। इमरान खान को देखकर जब उनकी बातें मैंने सुनी थी, उनका मैनिफेस्टो मैंने देखा था, करप्शन के खिलाफ मैं उस नैरेटिव पे आया था। कप्तान के कई खिलाड़ियों की बगावत, हुकूमत की कश्ती डोलने लगी। सिंध हाउस इस्लामाबाद में मौजूद मुनहरिफ हुकूमती अराकीन सामने आ गए। यरगमाल बनाने और पैसे लेने के इल्जामात की सख्ती से तर्दीद कर दी। राजा रियाज ने दावा किया सिंध हाउस में 24 एमएनए मौजूद हैं, कहीं गायब नहीं हुए, इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। पीटीआई को ना अहल मुशीरों के बायस आज ये सूरत हाल का सामना है। अजीब बात है कि गालम गलोच पीटीआई का ट्रेडमार्क बना दिया गया। हुकूमत को पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का चैलेंज। नवाब शेर ने कहा पार्लियामेंट लॉजिस वाके की वजह से यहां जमा हुए। नूर आलम खान ने कहा इमरान खान की 20 करोड़ वाली बात से अफसोस हुआ, बगैर किसी दबाव के सिंध हाउस आए। बासित बुखारी ने कहा आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और कोई वजारत नहीं मांगी। आज आपको जो 24 एमएनए जो मिले हैं वो 24 एमएनए मिले हैं, मगर ये 24 नहीं है, ये 33 है। 33 है। 24 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और 33 में तीन फेडरल मिनिस्टर हैं। तीन फेडरल मिनिस्टर रात भी यहाँ पे आए हैं, हमसे गपशप करके गए, ठीक है। और मैंने उनको कहा, मैंने कहा यार आप कैबिनेट के अंदर थे और आप ऐसी बातें अपने प्राण। अच्छा, ये बड़े तीन वो मिनिस्टर्स हैं, छोटे मिनिस्टर्स हैं। अब इतना आपको बताऊंगा तो मेरे ख्याल में तीन हो गए हैं और एक जो है वो छोटा आने वाला भी है। इस्तीफा दे देना चाहिए वज़ीर आज़म को, उनको सोचना चाहिए, ठीक। और अगर इस्तीफा नहीं देते तो आपका ख्याल 27 और 28 तारीख को जब आप अपोजिशन के साथ जाएंगे उस दिन गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी, आखिरी दिन होगा। देखिए जी, वो तो हर किसी का मर्जी का वोट है जिसको दे। तीन विभागी वजीर पीटीआई छोड़ चुके हैं, एक छोड़ने वाले हैं। हुकूमती रुकने कौमी असम्बली रमेश कुमार का दावा, कहा 24 नहीं 33 एमएनए हुकूमत के खिलाफ हैं, 24 सिंध हाउस में मौजूद हैं, बाकी यहाँ नहीं। सिंध हाउस इस्लामाबाद में मौजूद वजीहा कमर ने कहा सिंध हाउस में तमाम अरकान अपने जमीर की आवाज़ पर आए, बोलियाँ खुलने और पैसों की बातों में कोई सच्चाई नहीं। पीटीआई मुल्तान के रुकने कौमी असम्बली राना कासिम नून ने कहा बदकिस्मती से हुकूमत आवाम की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकी, अपने हलकों में जाने के काबिल नहीं रहे, हामीदारों के साथ नहीं लड़ सकते। कराची से मुंतखब रुकने असम्बली नुसरत पठान ने कहा पैसे देने वाली बातों पर हैरानगी है। मलिक अहमद हुसैन डहर बरस पड़े, कहा पंजाब में ओहदे बिकते हैं, सारे अफसरान पैसे देकर लगाए जाते हैं। मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख की है हमें सिंध में गवर्नर राज नाफत कर देना चाहिए। बहुत अच्छा हो गया जो 8 से 12 लोगों की बात हो रही थी, कोई 9 कह रहा था, कोई 8 कह रहा था, सिंध हाउस एक्सपोज हो गया। सिंध के लोगों के पैसों को 20-20 करोड़ रुपए को खरीदो फरोख के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सारी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए, वजीर दाखला शेख रशीद का वजीर आजम इमरान खान को मशवरा, कहा अच्छा हुआ सिंध हाउस एक्सपोज हो गया, वहां खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है, जमीर बेचकर दौलत कमाने वालों के लिए ये काम नहीं आएगा, नस्ली और असली लोग मुश्किल वक्त में साथ खड़े होते हैं, अंपायर न्यूट्रल है, उम्मीद है इत्तेहादी वजीर आजम के साथ होंगे, वार्निंग दी ओपोजिशन ने तसादुम किया तो इस वक्त को रोएगा, ये 3 साल बैठे रही अब मौला जट बनने जा रहे हैं, ये भी कहा शहबाज शरीफ की बिल्ली थैले से निकल आई, वो कौमी हुकूमत का मुतालबा कर रहे हैं, यहां कोई अंधेर नगरी नहीं, वोट को इज्जत दो के नारे कहा गए। अराकीन अपनी मर्जी से सिंध हाउस में ठहरे हैं, ये कहते हैं सिंध हुकूमत को खत्म कर दें। पीपल्स पार्टी का शदीद रद्देअमल, सईद गनी ने कहा इस पागलपन को क्या कह सकता हूं, शैला रजा बोली शेख रशीद बौखला गए हैं।
इमरान खान की एजेंसियों को सिंध हाउस की सरगर्मियों पर नजर रखने की हिदायत। अपोजिशन का साथ देने वालों की फहरिस्त वजीर आजम के सामने। मर्द ही नहीं खवातीन अरकान भी हिजब इख्तलाफ के कैंप में मौजूद। वजीर आजम को तकरीबन एक दर्जन अरकान के नाम दिए गए। रिपोर्ट सामने आने पर हुकूमत ने अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली तेज कर दी। अपोजिशन के दबाव को किसी सूरत खातर में ना लाने का फैसला। नाम सामने आने पर कई सीनियर रहनुमा हक्का बक्का। हुकूमत के नाराज अरकान से रबते भी शुरू। वजीर आजम ने मुनहरिफ अरकान को मनाने का टास्क परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी को सौंप दिया। कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाने पर इत्तफाक कर लिया। कप्तान डट गया, किसी सूरत ना झुकने का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि आवाम साथ है, साजिश का मुकाबला करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे, खरीदो फरोख्त के सामने बिल्कुल नहीं झुकेंगे, अदम एतमाद को नाकाम बनाएंगे। मौवन खसूसी शहबाज गिल बोले, इन जमीर फरोशों के चेहरे याद रखे जाएंगे। वादा है कि इमरान खान अपनी पोजिशन से एक इंच नहीं हटेगा। फवाद चौधरी ने राजा रियाज और नूर आलम खान को बेशरम करार दे दिया। हम अपनी हुकूमत बचाने के लिए किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग, किसी भी किस्म की लोटासाजी, किसी भी किस्म की जो एक सौदेबाजियां चल रही हैं, हम उसको मुस्तरद करते हैं। हम अपने इक्तदार के लिए सौदेबाजी नहीं करेंगे। अवाम भी एक फैसला एक तरफ सुनाएगी और अदम एतमाद जो है इनकी, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए हैं, इसको भी हम नाकाम करेंगे। फिक्र ना करें, इमरान खान कभी आपको मायूस नहीं करेगा। वुज़रा का अवाम के नाम पैगाम, हुकूमत को बचाने के लिए सौदेबाजी को मुस्तरद कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा, वजीर दाखला के गवर्नर राज के मशवरे पर गौर किया जा सकता है। शरीफों और जरदारियों का नारा है, पैसा लगाओ, हुकूमत में आओ और पैसा बनाओ। इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले इस्तीफा दें। एक्शन लेने की बात की तो लोटे सामने आ गए। असद उमर बोले, सिंध में गवर्नर राज से मुतालिक कोई बात नहीं हुई, इमरान खान ब्लैकमेल नहीं होगा, सिंध हाउस में नोटों के भरे संदूक लाए जा रहे हैं। हमाद अजहर बोले, सिंध हाउस में किसी जमीर की आवाज नहीं, रोकड़े की है। सियासी गंदगी खुलकर सामने आ गई। अवामी नुमाइंदों की जिंदगियां आजादी और खानदान खतरे में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, अरकान को अदम एतमाद में हिस्सा लेने की सूरत में संगीन नतायज की धमकियां दी गईं। अरकान को फस्ताई हुकूमत से अपनी हिफाजत के लिए हर किस्म के इकदाम लेने का हक है। पीपल्स पार्टी और पीडीएम अरकान की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे, अपने तमाम पत्ते शो नहीं करेंगे। आइंदा दिनों में मजीद लोग सामने आएंगे। इस्लामाबाद में अनारकी नहीं चाहते, हुकूमत हमें ना उकसाए। उधर पीपल्स पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा में चार बड़े जलसों का ऐलान। बिलावल चित्राल, अपरदीर, मालाकंड और कुरम एजेंसी में जलसों से खिताब करेंगे। 20 से 25 मार्च तक जलसों का शेड्यूल जारी। सिंध हाउस हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज बना हुआ है, हुकूमती कैंपों से इल्जामात की बरसात। वजीर इत्तला फवाद चौधरी कहते हैं, जहां मेंबरान की बोलियां लग रही हैं, सिंध हाउस बहुत सा पैसा मुंतकिल करने की इत्तलात हैं। यहां लोगों को रखने के लिए पुलिस मंगवाई गई है। खच्चरों और गधों का एक बाजार सजा हुआ है। जिस तरह से मंडियां लग रही हैं, आइन के खिलाफ है। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ मजबूत एक्शन प्लान बना रहे हैं। अपना मुस्तकबिल चोर डाकुओं के हवाले नहीं कर सकते। छोटा डॉन कहता है, कौमी हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान मुल्क को साम्राज्य के एजेंट से बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। ओपोजिशन 10 लाख अफराद का सुनकर डर गई है। हम बदमाश नहीं, लेकिन शरीफ आदमी को इतना ना तंग करो कि वो बदमाश बन जाए। अगर वो धमकी दे रहे हैं और वो कुछ कह रहे हैं, तो हम ऐसे नहीं हैं कि उनकी धमकियों में आ जाएंगे और हम अपोलोजेटिक होंगे। अराकीन के कहने पर ही उन्हें सिंध हाउस में रखा। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती इल्जामात की सख्ती से तर्दीद कर दी। यूसुफ रजा गिलानी बोले, पार्लियामेंट लॉजिस में हमारे एमएनएस पर तशद्दुद हुआ, कानून के मुताबिक उन्हें सिंध हाउस में रखा हुआ है, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे। सेफ कस्टडी का मतलब ये नहीं कि उन्हें यरगमाल बना लिया है। सईद गनी बोले, इमरान खान अब बोलेंगे मुझे क्यों निकाला। तासुर दिया गया, सिंध हाउस में अराकीन को पैसे दिए गए, इनको जबरी तौर पर रखा गया, अराकीन अंदर थे तो ऊपर ड्रोन उड़ाए गए। पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन की तादाद 24 से जायद है।
ज़मीर बेचने वालों को कोई नहीं रोक सकता, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा अपोजिशन का झंडा एक है, ना ही नज़रिया और एजेंडा, इनका एक नुकाती एजेंडा है वज़ीर आज़म को हटाना। जितना नुकसान जमहूरियत को आज हो रहा है तारीख में कभी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के लंबरदार बनकर जमहूरियत को नुकसान पहुँचा रही है। बिलावल अभी बच्चा है और ना समझ है, देखना है अदम एतमाद का ऊँट किस करवट बैठता है। तरीन ग्रुप हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो गया, हतमी फैसला कर लिया गया। अलीम खान ग्रुप भी अपने फैसले के करीब, देखो और इंतजार करो की पॉलिसी पर गामजन। मुस्लिम लीग नून की कयादत अलीम खान को चंद नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट का इशारा दे चुकी। इमरान इस्माइल, शाह फरमान, परवेज फटक, फवाद चौधरी और आमिर कयानी की जानिब से अलीम खान पर ओपोजिशन से दूर रहने का दबाव। हुकूमती अरकान अलीम खान को पंजाब में वजीर आला के लिए हुकूमती उम्मीदवार बनाने की कोशिशों में मसरूफ। वजीर इमरान खान ने ताहाल अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनाने की रजामंदी जाहिर नहीं की। पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ कानूनी और आईनी कार्रवाई का फैसला। वजीर आजम ने कानूनी टीम को बगावत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। स्पीकर को कार्रवाई के लिए बाकायदा खत लिखा जाएगा। वजीर आजम से असद कैसर की मुलाकात। वजीर आजम से पार्लिमानी सेक्रेटरी ताशफीन सफदर की भी मुलाकात। ताशफीन सफदर मराला ने वजीर आजम को गुजरात जलसे की बाज़ाब्ता दावत भी दे दी। उस्मान बुज़दार भी मुश्किल में। मुतहदा अपोजिशन का पंजाब में वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जल्द आने का इम्कान। हिज़्बे इख्तिलाफ़ के रहनुमाओं का पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट से राबता। अदम एतमाद के हवाले से अहम हुक्काम की दस्तयाबी के बारे में पता किया। अहम अमूर पर रहनुमाई भी मांग ली। अपोजिशन ने दरख्वास्त अदम एतमाद की तहरीक के ज़ाब्तेकार के बारे में मालूमात भी मांग ली। वज़ीर आज़म के इंतखाब और तहरीकी अदम एतमाद से कोई ताल्लुक नहीं, इलेक्शन कमीशन की वजाहत। अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म का इंतखाब और अदम एतमाद कवानीन के तहत होता है। हॉर्स ट्रेडिंग और फ्लोर क्रॉसिंग से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयानात बेबुनियाद हैं। फ्लोर क्रॉसिंग की सूरत में पार्टी सरबरा रुकन के खिलाफ डिक्लेरेशन स्पीकर को भेजेगा। स्पीकर कौमी असम्बली डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन को अरसाल करेगा। तहरीके अदम एतमाद पर सियासी जमातों में मुमकिन तसादुम का खतरा। वकला मैदान में आ गए। सुप्रीम कोर्ट बार ने आईनी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। मौकिफ इख्तियार किया। तहरीके अदम एतमाद के रोज फरीकैन के दरमियान तसादुम का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट तमाम स्टेक होल्डर्स को अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से मुकम्मल होने का हुक्म दें। हुकूमत अब भी नाराज अरकान को मनाने में मसरूफ। गवर्नर से इमरान इस्माइल, एमएनए आमिर याकत हुसैन के घर चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर ने कहा, बड़े बड़े जादूगर पैसों से जमीन खरीदना चाहते हैं। आमिर लियाकत बिकने वाला शख्स नहीं। सिंध हाउस में सौदे हो रहे हैं। इन सबको चाहिए पूरी कुव्वत के साथ हमला करे। कप्तान कामयाब हो गया तो इनको छोड़ेगा नहीं। आमिर लियाकत बोले, अदम एतमाद पर वो न्यूट्रल हैं, जब वक्त आएगा फैसला करेंगे। इजाज़त दी जाए पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को भी कि वो इलेक्शंस के अंदर कैंपेन कर सके, इस तरीके से दुनिया के अंदर इजाज़त हो। इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो एक ड्यूली डन लेजिस्लेशन को ओवरराइड करके, कानून को ओवरराइड करके अपनी तरफ से कोई उसकी इंटरप्रिटेशन कर सके। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। ऑर्डिनेंस के बाद इलेक्शन कमीशन इंतखाबी मुहिम पर पाबंदी नहीं लगा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़ीर असद उमर ने इलेक्शन कमीशन का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। असद उमर कहते हैं, कानून साजी के जरिए पब्लिक ऑफिस होल्डर इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई थी। इलेक्शन कमीशन के पास कानून की तशरीह का इख्तियार नहीं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान की पिटिशन पर एतराज़ आयद कर दिया। We'll be right back.
मैच फिक्सिंग के खिलाफ जंग में मसरूफ हूँ, मेरे खिलाड़ियों को बड़ी रकम का लालच दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बाबर आजम को शानदार फाइट बैक पर मुबारकबाद देते हुए कहा, मैच फिक्सिंग के खिलाफ महाज में मसरूफ होने की वजह से कराची टेस्ट नहीं देख सका। बाबर आजम ने आलमी मियार की बैटिंग का शानदार मुजाहरा किया। रिजवान और शफीक की इनिंग्स खसूसन काबिले तारीफ हैं। शहबाज शरीफ ने पार्टी कादरों को तैयारी का हुक्म दे दिया। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च के लिए अहदेदारों को हिदायत जारी कर दी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी जनरल काउंसिल का इजलास 20 मार्च को तलब। सदर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं, पीटीआई की सियासत का ड्रॉप सीन हो गया, कौम को नाहलों से बचाएंगे। अपोजिशन रहनुमाओं के सीने में दिल नहीं बल्कि इख्तदार की हवस है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सूबाई वज़रा से गुफ्तगू। सूबाई वज़रा का वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कोयटा में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज से 2 रोज के लिए बंद कर दिए गए। महकमा तालीम के मुताबिक कोयटा में आज और कल होने वाले मैट्रिक के पर्चे भी मनसूख कर दिए गए। महकमा तालीम के मुताबिक जामे बलोचिस्तान भी 2 रोज के लिए बंद रहेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का आर्मी सर्विस कोर सेंटर नौशहरा का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और शोहदा के लिए फातिहखानी की। आर्मी चीफ ने मेजर जनरल उस्मान हक को आर्मी सर्विस कोर के कर्नल कमांडेंट के बैजेस लगाए। तकरीब में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान की बड़ी तादाद की शिरकत।